हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इटर्निटी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसी कंट्री के बारे में जहां आप आराम से घूम फिर सकते हैं और अपने आप को राजा जैसा महसूस कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन। हमारी टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहली कंट्री है वियतनाम। वियतनाम प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। वियतनाम आर्कियोलॉजिकल वंडर और स्वादिष्ट कुजीनों से भरा हुआ है। एक हफ्ते का रहना और खाने का कॉस्ट होगा लगभग 5,000 इंडियन रुपीस और फ्लाइट टिकट हो सकती है लगभग 20,000 इंडियन रुपीस। आप वियतनाम में आराम से एक हफ्ता बिता सकते हैं, वो भी सिर्फ 25,000 इंडियन रुपीस में। नंबर 2, भूटान। भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल देश और बहुत ही बेस्ट जगह है कुछ शांति के लिए। उस पार से भूटान में इंडिया से ट्रैवल और टूर करने वाले सबसे चीपेस्ट कंट्री है। अपने नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल के लिए जाना जाता है भूटान। पर डे कॉस्ट आपको हो सकता है 1500 रुपये पर नाइट, और आप चाहते हैं एक डिसेंट से होटल में रहना तो आपको पर डे कॉस्ट आपको हो सकता है 1500 रुपये पर नाइट। नंबर 3, नेपाल। नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो बर्फ की ऊंची चोटी, याक, येटी और मॉनेस्ट्री मैजिक का देश है। नेपाल काम एटमॉस्फेयर ऑफर करता है जो सिटीज के लाइफ हलचल से एक ब्रेक लेना चाहता है, जो परफेक्ट स्पॉट है और एक कम खर्चा करे बिना आपको एक राजा फील करवा सकता है। नेपाल का पर डे कॉस्ट आपको लगभग 1000 रुपये इंडियन रुपीज में होगा, और फिर जैसे आपको डिसेंट होटल चाहिए लगभग 2000 रुपये उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 4, श्रीलंका। हमारे पड़ोसी देश में से एक जो वाइड रेंज ऑफ बजट फ्रेंडली ऑप्शन ऑफर करता है। श्रीलंका अमेजिंग बीच, लाजवाब कुजीन और रामायण कनेक्शन प्रदान करता है। पर डे कॉस्ट है श्रीलंका में 700 से 1000 रुपये तक का। अमेजिंग स्ट्रीट फूड्स और कुजीन जिसमें आप 250 से 500 इंडियन रुपीस में पेट भर के खा सकते हैं। पर डे कॉस्ट श्रीलंका में 700 से 1000 रुपये और अमेजिंग स्ट्रीट फूड और कुजीन जिसमें आप 250 से 500 इंडियन रुपीस में पेट भर के खा सकते हैं। श्रीलंका में हेरिटेज टूर, रिलीजियस विजिट्स, आर्ट कल्चरल टूर, वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट्स, एयर ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। कोलंबिया सिटी, यापा हुआ सिटी और गाले सिटी ये फेमस है श्रीलंका में। नंबर 5, लाओ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जाना जाता है माउंटेन टेरेन, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और ब्यूटीफुल फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए। लाओ पर डे कॉस्ट आप लोग को लगभग 1000 से 1500 इंडियन रुपीस में हो सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ स्टे कर रहे हैं। नंबर 6, थाईलैंड। ए परफेक्ट मिक्स ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज के और रिच कल्चर हेरिटेज, रॉयल पैलेस एंड एंशंट वर्ल्ड। पर डे कॉस्ट थाईलैंड में आपको लगभग 1200 से 1500 इंडियन रुपीस में देने होंगे। थाईलैंड में आपको स्ट्रीट फूड 200 से 300 रुपए पर डिश देने होंगे। नंबर 7, मलेशिया। एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए स्पेशली बजट फ्रेंडली है। टूरिस्ट को एक प्लेजेंट क्लाइमेट और मार्वलेस बीच ऑफर करता है। मलेशिया में आपको 600 से 700 इंडियन रुपीस देने पड़ सकते हैं। मलेशिया में कोलालंपुर, मेरी पेट्रोनस टावर और भी इन जैसी जगह पर जा सकते हैं। मलेशिया में हर मील के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। नंबर 8, मालदीव्स। मालदीव्स के ब्यूटीफुल आइलैंड एक बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन। बहुत लोग को लगता है कि मालदीव्स बहुत लग्जूरियस है, इस वजह से लोग टूरिज्म नहीं करते मालदीव्स में, लेकिन मालदीव्स बहुत सस्ता और टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस है।
पर डे कॉस्ट मालदीव में आपको 1500 से 1600 तक का हो सकता है। मालदीव्स में आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सबमरीन टूर कर सकते हैं। पर डे फूड का कॉस्ट लगभग आपको 500 से 600 तक का हो सकता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे और कैसा रह रहे हैं। नंबर 9, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा आर्कियोलॉजी और प्राकृतिक खूबसूरती का भी देश माना जाता है। इंडोनेशिया में पर कॉस्ट आपको 2000 से 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इंडोनेशिया में बाली, जकार्ता, मलंग जैसी इन जैसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। इंडोनेशिया में आपको खाने पीने का खर्चा 700 से 800 रुपए तक या उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। नंबर 10, सिंगापुर। ये एक डाइवर्स कंट्री है जहां आप लोग जाना बहुत पसंद कर सकते हैं। सिंगापुर एक गोटू डेस्टिनेशन है जिधर इंडियंस जाना बहुत पसंद करते हैं। सिंगापुर में आपको पर डे कॉस्ट 1700 से 2000 तक या उससे ज़्यादा लेना पड़ सकता है। सिंगापुर में शिपिंग, नेचर टूर, लोकल साइटिंग और स्ट्रीट फूड और आर्ट का मज़ा उठा सकते हैं। सिंगापुर में आप मरीना बे और यूनिवर्सल स्टूडियो जैसी जगहों पर जा सकते हैं। सिंगापुर में आपको 500 से 700 या उससे ज़्यादा खाने के लिए देना पड़ सकता है।